बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ मटन कोरमा कढ़ाई। उसके लिए मैंने ले लिया 1 किलो ये छोटा गोश्त है बकरे का, 1/2 किलो प्याज है, 2 चम्मच लहसुन है, अदरक 1 इंच का टुकड़ा है, दही 1 पाव, टमाटो पेस्ट मैंने 1 प्याली ली है, ऑयल मैंने प्याज फ्राई करने के लिए 1/2 कप लेना है, ये देसी घी लिया है मैंने 1/2 पाव, नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 2 टीस्पून, 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1/2 टीस्पून, ये जायफल जलवतरी। अगर आपको नहीं पसंद तो ये चाहे ना डालें, मैं थोड़ी सी डालूंगी, ये अच्छा खुश जायका बनेगा। अब हम शुरू करते हैं। ये मैं प्रेशर में ऑयल डाल लूंगी प्याज फ्राई करने के लिए, और ये प्याज डाल देंगे इसमें। ये प्याज में रब सही हो रहा है, हो गया। अब मैं इसमें ये मटन शामिल कर दूंगी और इसको भी भून लेंगे इसी तरह, प्याज में ही भूने। ये गोश्त का कलर चेंज हो जाए बाकी मसाले डालेंगे। ये गोश्त हल्का सा फ्राई हो गया, अब मैं लहसुन पेस्ट डालूंगी 2 टेबल स्पून, ये टमाटो पेस्ट 1 प्याली, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च 2 टीस्पून, ये 2 प्याली पानी डाल दिया मैंने, और अब प्रेशर 10 मिनट के लिए हम बंद कर देंगे। दस मिनट चलाएंगे इसे। ये प्रेशर मैंने खोल लिया, अब मैं इसे भून लूंगी, सारा मसाला गल गया और गोश्त भी चेक कर लेंगे गल गए। हाँ, अब भून लेंगे, फिर थोड़ी देर दम पे लगेगा तो बिल्कुल हाइट हो जाएगा। जब इतनी सी ग्रेवी हो इतनी, तो फिर इसमें दही शामिल कर दें। ये मैं भून रही हूँ गोश्त को, अब मैं इसमें ये जायफल जलवतरी शामिल कर दूंगी, और ये 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, ये 1/2 देसी घी मैं अभी डालूंगी, 1/2 फिर जब उतारेंगे फिर डालूंगी। तो मैंने अच्छी तरह भून लिया, ये देखिए सारा घी ऊपर आ गया, पूरे 5 से 7 मिनट मैंने इसे भूना है। अब थोड़ी सी हमें ग्रेवी चाहिए, इतना मैं पानी डाल दूंगी, ये 1/2 प्याली पानी डालूंगी, 1, 2, 3 डोली, ये देखिए इतना अच्छा हमारा सालन तैयार हो रहा है। अब जो घी बचाया था ये इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा अदरक अंदर शामिल करेंगे,
बकाया ऊपर गार्निश करेंगे। थोड़ी देर दम पे रखेंगे, ऊपर घी आ जाए, एक दो मिनट के लिए। ये तैयार हो गया हमारा कोरमा कढ़ाई। अब मैं इसे बोल में रख उतार लेती हूँ। ये मैंने बॉल में निकाल लिया। अब मैं इसके ऊपर ये अदरक डालूंगी। इसको कोरमा कढ़ाई इसलिए कहते हैं कि ये कोरमे से थोड़ा थिक और कढ़ाई से थोड़ा पतला होता है, इसकी ग्रेवी जोन सी होती है। ये बहुत मज़ेदार लगता है नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, और हम इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं। और आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा ये मटन कोरमा कढ़ाई, आपको पसंद आएगा। ये ऊपर हरी मिर्च मैंने डाल दी है। प्लीज़ बनाएं और इंजॉय करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।